हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर सौरभ कुमार सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। सौरभ कुमार ने 1980 में आई मूवी 1920 से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता, राकेश रोशन, योगिता वाली, सुजीत कुमार और कादर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 10 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ 50 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमिट रही। 1984 में सौरभ कुमार की मूवी आई राम तेरा देश। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, हेमा मालिनी, वीरेंद्र घाटके, प्रेम चोपड़ा और सारिका शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1985 में सौरभ कुमार की मूवी आई करम युद्ध। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, आदर्श सचदेव, अनिता राज, प्राण और अमरीश पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1986 में सौरभ कुमार की मूवी आई कातिल और आशिक। इस मूवी के लीड कास्ट में जावेद खान, सोमा आनंद, कल्पना अय्यर, कनान कौशल, राजा मुराद और जावेद खान शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1987 में सौरभ कुमार की मूवी आई परम धर्म। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, मौसमी चटर्जी, सुमित सहगल, राकेश बेदी, दिव्या राणा और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 10 लाख रहा। भारत में कमाई 85 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 50 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1988 में सौरभ कुमार की मूवी आई हलाल की कमाई। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, फरहानाज, शक्ति कपूर, राजा मुराद और गुलशन ग्रोवर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1989 में सौरभ कुमार की मूवी आई देश की दुश्मन। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, हेमा मालिनी, मंदाकिनी, सदाशिव अमर पालकर, आदित्य पंचोली, प्रेमा नारायण और नवीन निश्चल शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1990 में सौरभ कुमार की मूवी आई आवारा गर्दी। इस मूवी के लीड कास्ट में किमी काटकर, आदित्य पंचोली, हेमंत विरजे, साहिल चड्ढा, राजा मुराद और सदाशिव अमर पालकर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1991 में सौरभ कुमार की मूवी आई जीवन दाता। इस मूवी के लीड कास्ट में आदित्य पंचोली, चंकी पांडे, किमी काटकर, सोनू वालिया, गुलशन ग्रोवर, राजा मुराद और किरण कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 10 लाख रहा। भारत में कमाई 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 42 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सौरभ कुमार की एक और मूवी आई स्वर्ग जैसा घर। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, अनिता राज, गुलशन ग्रोवर, सदाशिव अमर पालकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 90 लाख रहा। भारत में कमाई 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 21 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल सौरभ कुमार की 11वीं मूवी आई नंबरी आदमी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, संगीता बिजलानी, किमी काटकर, सोनू वालिया और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 70 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 15 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 25 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सौरभ कुमार की 12वीं मूवी आई जिगरवाला। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, टीना मुनिम, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। 1993 में सौरभ कुमार की मूवी आई अंधा इंतकाम। इस मूवी के लीड कास्ट में सिद्धार्थ, शक्ति प्रिया, रोनित रॉय, किरण कुमार और सदाशिव अमर पालकर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। 2002 में सौरभ कुमार की मूवी आई सिंदूर की सौगंध। इस मूवी के लीड कास्ट में पूजा ददवाल, रवि किशन, पंकज धीर, कादर खान और राजा मुराद शामिल थे। इस मूवी का बजट 60 लाख रहा। भारत में कमाई 13 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 22 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही और यही अब तक की सौरभ कुमार सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको सौरभ कुमार सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।